हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है क्वालिटी। क्वालिटी को हिंदी में गुणवत्ता कहते हैं। किसी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, मतलब कितने दिन वो चलता है, वर्क करता है, उसके बेसिस पर हम उसकी क्वालिटी डिसाइड करते हैं कि क्वालिटी अच्छी है, खराब है या फिर एवरेज है। सो कैन अ शूमेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट। सबसे पहले बिफोर यू रीड में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या एक शूमेकर, जूता बनाने वाले को हम आर्टिस्ट कह सकते हैं? यस, इफ ही हैज द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापार, चीजों को खरीद कर या फिर बनाकर बेचना। तो अगर एक शूमेकर उतना ही स्किल्ड है और अपने काम में उतना ही प्राउड फील करता है, गर्व महसूस करता है एज एनी अदर आर्टिस्ट, जितना दूसरे आर्टिस्ट करते हैं, एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और अपने काम के लिए उतनी ही रिस्पेक्ट रखता है, तो एक शूमेकर को हम आर्टिस्ट कह सकते हैं। मिस्टर गेसलर अ जर्मन शूमेकर। अभी ये जो स्टोरी है, ये मिस्टर गेसलर की है, जो जर्मनी के हैं और एक शूमेकर है, सेटल्ड इन लंदन, लंदन में सेटल डाउन हो गए हैं, इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट। राइटर कहते हैं कि वो परफेक्ट आर्टिस्ट है। नाउ रीड दिस स्टोरी। ये स्टोरी हम रीड करेंगे टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। डिवोट करना मतलब अपना मैक्सिमम टाइम किसी चीज को देना। तो कैसे अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम उन्होंने डिवोट कर दिया शू मेकिंग की आर्ट को। स्टार्ट करते हैं। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। राइटर बताते हैं कि मैं उनको जानता हूं, मिस्टर गेसलर को, उन दिनों से जब मैं बहुत ज्यादा यूथ, मतलब यंग था। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स, क्योंकि मिस्टर गेसलर राइटर के फादर के बूट्स बनाया करते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर। वो अपने बड़े भाई के साथ रहते थे इन हिज शॉप, अपनी शॉप में, विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट। बाई स्ट्रीट हम बोलते हैं, ये एक मेन स्ट्रीट है, इससे कट के ये जो एक नैरो स्ट्रीट जाएगी, तो यहाँ पर उनकी शॉप थी जिसमें वो रहते थे, इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन। और ये लंडन के एक फैशनेबल पार्ट में थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्ट होना मतलब दूसरों से अलग होना। तो मिस्टर गेस्लर की जो शॉप थी वो दूसरों से कुछ अलग थी। देर वॉज नो साइन अपॉन इट, उसके ऊपर कोई साइन नहीं था, अदर दैन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स। सिर्फ नाम लिखा हुआ था, गेस्लर ब्रदर्स, एंड इन द विंडो, और विंडो में अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, कुछ बूट्स के पेयर्स रखे हुए थे। ही ओनली मेड वॉट वॉज ऑर्डर्ड। अभी ऐसा नहीं कि मिस्टर गेस्लर बूट्स बनाकर बेचा करते थे, वो सिर्फ वही बूट्स बनाते थे जो ऑर्डर किए जाते थे। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट। और जो बूट्स वो बनाते थे वो हमेशा ही फिट होते थे। टू मेक बूट्स, बूट्स बनाना, सच बूट्स एज ही मेड, और ऐसे बूट्स बनाना जैसे मिस्टर गेसलर बनाते थे, सीम टू मी देन, वो मुझे तब लगता था, एंड स्टिल सीम्स टू मी, और अभी भी मुझे क्या लगता है, बहुत ही मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मतलब जिस चीज के बारे में आप ज्यादा जानते ना हो, हिंदी में कहेंगे रहस्यमयी। तो वो मुझे बहुत मिस्टीरियस लगता है एंड बहुत वंडरफुल लगता है। आई रिमेम्बर वेल माई शाई रिमार्क्स। मुझे बहुत अच्छे से याद है मेरा शाई, शाई मतलब थोड़ा नर्वस होके, थोड़ा घबरा के, जो मैंने कुछ रिमार्क्स दिए उन्हें। रिमार्क करना, कमेंट करना, कुछ कहना। जैसे राइटर बताते हैं, वन डे, एक दिन, वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट। जब वो अपना पैर स्ट्रेच करते हैं मिस्टर गेस्लर की तरफ ताकि वो मेजरमेंट ले सके, तो राइटर कहते हैं, इजंट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गेसलर। मिस्टर गेसलर, क्या ये करना, ऑफुली मतलब बहुत ज्यादा, नेगेटिव वे में यूज करते हैं वर्ड को, तो क्या ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये काम जो आप करते हैं बूट मेकिंग का? एंड इज आंसर, और उनका आंसर भी मुझे अच्छे से याद है, गिवन विद अ सडन स्माइल। एक सडन स्माइल उनके फेस पर आती है, तब वो रिप्लाई करते हैं, फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड। मतलब उनकी जो बियर्ड थी वो रेड कलर की थी, और वो कहते हैं, इट इज एन आर्ट। ये जर्मन एक्सेंट में कहा गया है क्योंकि वो जर्मनी के थे। इट इज एन आर्ट, कि ये जो काम मैं करता हूँ ये एक आर्ट है, एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं था, टू गो टू हिम वेरी ऑफन, कि आप अक्सर उनके पास जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं था उनके पास जाना। हिज बूट्स लास्टेड टेरेबली, क्योंकि उनके बूट्स बहुत ज्यादा चलते थे। हैविंग समथिंग हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्प्ररी, जो टेम्प्ररी शूज होते हैं उनसे बहुत बियॉन्ड उनके बूट चलते थे। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इन टू देम,
एसेंस मतलब कोई ऐसा मटेरियल मैटर था बूट्स का जो कि वो उनमें स्टिच करके देते थे, कि वो जो साधारण होते हैं टेम्परेरी से बूट्स होते हैं उनके बहुत बियॉन्ड थे। वन वेंट इन, कोई अंदर जाएगा उनकी शॉप में, नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स, तो जैसा ज्यादातर शॉप्स में होता है ऐसा वहां पर नहीं था, बट रेस्टफुली, जैसे दूसरी शॉप्स में बहुत भीड़ होती है, क्योस होता है, तो वहां पर ऐसा नहीं था, बहुत रेस्टफुली अंदर जाएंगे। एज वन एंटर्स अ चर्च, जैसे चर्च में कोई पर्सन एंटर करता है, एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, वहां पर एक सिंगल वुडन चेयर रखी होगी, आप उस पर जाकर बैठ जाएंगे, वेट करेंगे। अ गटरल साउंड, गटरल बोलते हैं थ्रोट से, गले से जो एक आवाज आती है थ्रोट क्लियर करने की, एक हार्श और ग्रांटिंग वॉइस आपको सुनाई देगी मिस्टर गेसलर की, एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, और उनके स्लीपर्स के टिप टैप, बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, जब वो नैरो वुडन स्टेयर से नीचे आ रहे होंगे। तो ये शॉप का बताया हुआ है कि शॉप कैसी दिखती थी उनकी, एक चेयर रखी हुई थी बीच में, उसके बाद नैरो वुडन स्टेयर्स थी जहां से वो नीचे आते थे, ऊपर रहते होंगे दोनों भाई। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, जो पर्सन आया है वो उसके सामने खड़े हो जाएंगे बिना कोट के, अ लिटिल बेंट, थोड़ा सा बेंड होंगे, इन लेदर एप्रन, लेदर एप्रन उन्होंने पहना होगा जैसे कि क्लोथ्स के ऊपर हम पहनते हैं स्पेशली किचन में खाना बनाते टाइम, विद स्लीव्स टर्न बैक, स्लीव्स को फोल्ड किया हुआ होगा, ब्लिंक कर रहे होंगे आंखों को, एज इफ अवेकंड, जैसे कि अभी वो जागे हो फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, बूट्स का जैसे सपना देख रहे हो उससे जागकर अभी आए हो, इस तरीके से आईज को ब्लिंक कर रहे होंगे, ये अपीयरेंस दी हुई है मिस्टर गेसलर की। एंड आई वुड से, और उसके बाद मैं कहूंगा, या फिर जो पर्सन गया है वो कहेगा, हाउ डू यू डू मिस्टर गेसलर, मिस्टर गेसलर आप कैसे हैं, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर के बूट्स बना सकते हैं, मतलब जो भी आपको चाहिए आप उनसे कहेंगे। विदाउट अ वर्ड, बिना किसी वर्ड के ही वुड लीव मी रिटायरिंग, रिटायरिंग मतलब कहीं से चले जाना, बिना किसी वर्ड के वो छोड़कर आपको वहां से चले जाएंगे। वेंस ही केम, वेंस मतलब जहां से, फ्रॉम वेयर ही केम, जहां से वो आए हैं स्टेयर से ऊपर चले जाएंगे, और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या फिर शॉप के किसी दूसरे पोर्शन में चले जाएंगे। एंड आई वुड कॉन्टिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, और मैं वुडन चेयर पर रेस्ट करता रहूंगा जो कस्टमर है। इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, इंसेंस यहाँ पर यूज किया गया है मतलब खुशबू, द स्मेल ऑफ लेदर इज कंपेयर टू द स्मेल ऑफ इंसेंस इन अ चर्च, क्योंकि यहाँ पर राइटर ने चर्च से कंपेयर किया उनकी शॉप को, तो जैसे चर्च में इंसेंस स्टिक्स होती है, अगरबत्ती की खुशबू आती है, तो वैसे ही वहां पर उनके काम की, क्योंकि लेदर का वर्क है तो लेदर की खुशबू को वो इनहेल करते रहेंगे। सून ही वुड कम बैक, जल्दी फिर मिस्टर गेसलर वापस आएंगे, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ ब्राउन गोल्ड ब्राउन लेदर, उनके हाथ में लेदर का एक पीस होगा, विद आईज फिक्स्ड ऑन इट, अभी भी वो मेरी तरफ यानी कि कस्टमर की तरफ, राइटर की तरफ नहीं देखेंगे, उनकी आंखें फिक्स्ड होगी लेदर के उस पीस को ही वो देख रहे होंगे। ही वुड रिमार्क, और फिर रिमार्क करेंगे, वॉट अ ब्यूटिफुल पीस, मतलब वॉट अ ब्यूटिफुल पीस, ये पीस कितना सुंदर है। वेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, एडमायर करना, तारीफ करना, जब मैं भी उस लेदर के पीस की तारीफ करूंगा, ही वुड स्पीक अगेन, वो फिर से कहेंगे, वेन डू यू वॉन्ट देम, कि वेन डू यू वॉन्ट देम, ये कब तुम्हें चाहिए बूट्स, कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, और मैं आंसर करूंगा, ओ एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन, कन्वीनियंटली मतलब आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, आप जब आराम से जब तक आप दे सके। एंड ही वुड से, और फिर वो कहेंगे, टुमारो फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब अ पीरियड ऑफ 14 डेज, तो कल से 14 डेज के बाद तुम इनको ले जा सकते हो। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और अगर मिस्टर गेसलर की जगह उनके बड़े भाई होंगे, आई विल आस्क माई ब्रदर, तो वो कहेंगे कि मैं अपने भाई से पूछकर बताऊंगा। ओके, देन आई वुड मर्मर, मर्मर करना मतलब बहुत सॉफ्टली, बहुत लो, धीमी आवाज में बोलना, तो फिर मैं उनसे कहूंगा, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेसलर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, वो भी रिप्लाई करेंगे गुड मॉर्निंग, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और अभी भी वो उनके हाथ में जो लेदर है उसको ही देख रहे होंगे। एंड एज आई मूव टू द डोर, और जब मैं डोर की तरफ जाऊंगा, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप इन द स्टेयर्स, मुझे उनके जो स्लीपर्स चप्पलों की आवाज़ है टिप टैपिंग की वो फिर से सुनाई देगी, जैसा कि वो स्टेयर से अभी ऊपर जा रहे हैं, टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, उनके जो बूट्स का ड्रीम है उसमें फिर से वो स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं।
आई कैन नॉट फॉरगेट द डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, मैं वो एक दिन नहीं भूल सकता जब मुझे ये ओकेजन मिला कि मैं उनसे ये कह पाऊं, मिस्टर गेसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, कि मिस्टर गेसलर जो आपने लास्ट पेयर ऑफ बूट्स बनाए थे वो क्रीक क्रीक करना, मतलब जो देखा होगा लेदर में अगर आपने शूज कभी पहने हैं तो उनसे जनरली आवाज आने लगती है, उसको क्रीक की आवाज बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि उनसे आवाज आ रही है, वो क्रीक कर रहे हैं, यू नो ही लुक्ड एट मी, वो मेरी तरफ देखते हैं फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, बिना मतलब कुछ टाइम के लिए वो मेरी तरफ देखते रहते हैं बिना कुछ रिप्लाई करे, एज इफ एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट करना उम्मीद करना, जैसे कि वो मुझसे चाह रहे हो टू विदड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, कि मैंने जो स्टेटमेंट कही है मैं उसको वापस लूंगा, दैट देन सेड, उसके बाद वो कहते हैं इट शुडेंट हैव क्रीक्ड, कि वो क्रीक नहीं करने चाहिए, उनसे आवाज नहीं आनी चाहिए, इट डिड आई एम अफ्रेड, तो वो कहते हैं कि नहीं एक्चुअली में आवाज आ रही है उनसे, यू गॉट देम वेट, ओके यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देम सेल्व, तो वो कहते हैं कि हो सकता है तुमने उनको गीला कर दिया हो, जनरली जब लेदर गीला होता है तब उससे आवाज आने लगती है, आई डोंट थिंक सो, तो राइटर कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे याद नहीं है कि कभी मैंने उन्हें गीला किया हो, एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज, ये सुनने के बाद वो आंखें नीचे करते हैं, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, जैसे कि शायद याद कर रहे हो कि जो मेमोरी है उन बूट्स की, कि कब उन्होंने बनाए थे कैसे बनाए थे, एंड आई फेल्ट सॉरी, और ये देखकर मैं थोड़ा सॉरी फील कर रहा था कि क्यों मैंने उन्हें ये कहा, आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग, ग्रेव मतलब बहुत खराब, कि मैंने जैसे कितनी खराब चीज उनसे कह दी हो, सेंड देम बैक, तो कहते हैं कि उन्हें वापस ले आना जूतों को, ही सेड आई विल लुक एट देम, मैं उन्हें देखूंगा, सम बूट्स ही कॉन्टिन्यूड स्लोली, अभी धीरे धीरे वो बोलना कॉन्टिन्यू करते हैं और कहते हैं कि कुछ जो बूट्स होते हैं आर बैड फ्रॉम बर्थ, वो फ्रॉम बर्थ जब से बनाए जाते हैं तब से ही खराब होते हैं, इफ आई कैन डू नथिंग विद देम, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया उनको ठीक नहीं कर पाया जो वो क्रीक कर रहे हैं, आई टेक देम ऑफ योर बिल, तो मैं तुम्हारे बिल से उनको हटा दूंगा, जो प्राइस तुमने पे किया होगा उसको रिटर्न कर दूंगा, वंस वंस ओनली, एक और इंसिडेंट राइटर बताते हैं कि एक बार सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ, आई वेंट एबसेंट माइंडेडली, एबसेंट माइंडेडली मतलब बिना सोचे मैं चला गया इनटू हिज शॉप, उनकी शॉप में, इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन इमरजेंसी, एक ऐसे पेयर ऑफ बूट्स में जो मैंने इमरजेंसी में खरीदे थे एट सम लार्ज फर्म, किसी बड़ी फर्म से, क्योंकि मिस्टर गेसलर पहले ऑर्डर लेते थे फिर कुछ दिनों बाद बूट्स बनाते थे, तो राइटर को शायद इमरजेंसी में बूट्स चाहिए होंगे, उन्होंने एक बड़ी फर्म से बूट्स ले लिए और एक बार वो उनको पहनकर मिस्टर गेसलर की शॉप में चले गए, ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, तो उस दिन उन्होंने मेरा ऑर्डर लिया लेकिन मुझे कोई लेदर नहीं दिखाया, जैसे वो जनरली करते थे, पहले ऑर्डर लेते थे फिर लेदर दिखाते थे फिर पूछते थे कितने दिनों बाद चाहिए, तो ऐसा उन्होंने नहीं किया, ऑर्डर ले लिया सिर्फ, कोई पीस उनको नहीं दिखाया, एंड आई कुड फील हिज आइज, और मैं फील कर सकता था कि उनकी जो आंखें हैं पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेट करना मतलब वो अंदर तक देख रही है, द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, इंफीरियर हम बोलते हैं जो बहुत ही खराब क्वालिटी होती है, उस इंफीरियर खराब क्वालिटी के जो बूट्स मैंने पहने हुए थे, कवरिंग जो थी मेरे फुट के ऊपर, वो उसको देख रही थी, अंदर तक देख रही थी, एट लास्ट ही सेड, और आखिर में वो कहते हैं दोज आर नॉट माई बूट्स, ये मेरे बूट्स नहीं है, द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, उनकी जो टोन थी वो ऐसा नहीं कि गुस्से में बोल रहे थे, ना वो गुस्से वाली टोन थी, नॉर ऑफ सॉरो, ना ही सॉरो कोई दुख था उनके टोन में, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, ना ही कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब किसी दूसरे को वर्थलेस, कम समझना अपने से, तो ऐसा भी नहीं था कि वो उन बूट्स को खराब समझकर ऐसे बोल रहे थे, बट देर वॉज इन इट समथिंग, लेकिन उनकी आवाज में ऐसा कुछ था क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, जैसे कि ब्लड उनका फ्रीज हो गया हो, ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर, वो उनके ऊपर अपना हाथ रखते हैं और फिंगर से प्रेस करते हैं ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, और उसी जगह पर उंगली रखते हैं, लेफ्ट जो बूट था राइटर का वो कंफर्टेबल नहीं था उस जगह पर, तो देखते उन्होंने पहचान लिया और वहां पर अपनी फिंगर रखकर कहा इट हर्ट यू देयर, कि क्या तुम्हें यहां पर हर्ट कर रहा है, ही सेड दोज बिग फॉर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, ये जो बड़ी बड़ी फॉर्म्स हैं इनमें कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है,
एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, और उसके बाद जैसे कुछ हुआ हो उनको अंदर, ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, बहुत लंबे टाइम तक वो बोले, बहुत बिटरली, बिटरली मतलब बहुत गुस्से से, हर्ट होकर एक तरीके से. इट वॉज द ओनली टाइम, और ये वो टाइम था, आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस, जब मैंने उनको सुना कि वो कंडीशन और हार्डशिप बता रहे हैं ऑफिस ट्रेड, अपने काम की हार्डशिप, मतलब कि कितना मुश्किल उनका काम है. पहली बार वो उसके बारे में बात कर रहे थे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. रिमेनिंग जो चैप्टर है वो हम लोग पार्ट टू में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.